खबर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देवघर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन ऐसे कर सकेंगे भक्त। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है, झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद वर्चुअल दर्शन की अनुमति दी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से इसे लेकर मसौदा भी हाईकोर्ट को दिया गया है। सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलना कोरोना वायरस के कारण संभव नहीं है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने भी ऑनलाइन दर्शन की तैयारी करने को लेकर आदेश दे दिया है। खबरों के अनुसार बता दें कि इस बार देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाला श्रावणी मेला टाल दिया गया है। इस बीच देवघर जिला प्रशासन ने अलग अलग राष्ट्रीय और स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ का लाइव दर्शन कराने के लिए तैयारी की है। देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई तक वैसे भी झारखंड के सभी मंदिर बंद हैं। खबर है झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। खबरों के अनुसार बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार यानी 3 जुलाई को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश जगहों पर वर्षा और वज्रपात की संभावना है। 4-6 जुलाई के बीच झारखंड के लगभग सभी जिलों में वर्षा और वज्रपात हो सकता है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा वज्रपात के संकेत मिल रहे हैं। 4 दिन तक राज्य के लगभग सभी जिलों में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद कुलदीप को दी श्रद्धांजलि। दोस्तों खबर आ रही है, श्रीनगर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए झारखंड के लाल CRPF जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गए। परमात्मा शहीद कुलदीप जी की आत्मा को शांति प्रदान कर परिवारजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आपको बता दें कि गुरुवार की रात श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान झारखंड के CRPF जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गए थे। खबर है मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने दुनिया से ली विदा, मुंबई में उनका हुआ निधन। दोस्तों खबर आ रही है, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का मुंबई में देर रात निधन हो गया। 20 जून से सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि सरोज खान की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। उनको गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि सरोज खान ने बॉलीवुड की कई अदाकाराओं को डांस सिखाया था। 200 से ज़्यादा फिल्मों के लिए उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। कई बड़ी हीरोइंस उन्हें अपना आदर्श मानती हैं, ऐसे में उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में ही हुआ था, उनकी उम्र 71 साल थी। खबर है लेह में PM मोदी ने भरी हुंकार, कहा शांति की पहली शर्त है साहस। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लद्दाख स्थित लेह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ITBP के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए संबोधन किया। आपको बता दें कि जवानों के बीच जब PM मोदी पहुंचे तो वहां मौजूद जवानों ने पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। PM मोदी ने कहा कि देश के जवानों के बीच भारत की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में देश की सराहना हो रही है। नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लेह में PM मोदी ने कहा कि देश की रक्षा आप जवानों के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा आप जवानों के हाथों में है, आपके मजबूत इरादों के चलते पूरे देश की जनता को आप पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि आप जवानों की भुजाएं इतनी मजबूत है कि कोई आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है, आपकी इच्छा शक्ति पर्वत की तरह मजबूत है। खबर है टिकटॉक नहीं लड़ेगी सरकार के खिलाफ लड़ाई। दोस्तों खबर आ रही है, चीनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स को
प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व वाली टिकटॉक के प्रवक्ता ने जारी अपने बयान में कहा कि कंपनी भारत सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश की चिंताओं को दूर किया जा सके। प्रवक्ता ने उन भ्रामक खबरों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि टिकटॉक जल्द बैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। खबर है 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ICMR ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। ICMR ने भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक, जिसने कोरोना पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है, उसे एक पत्र लिखकर वैक्सीन की मानव परीक्षण प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक विधि से पूरा करने के लिए कहा है। खबर है, इन रूटों पर चलेगी प्राइवेट ट्रेनें, अब ट्रेन में मिलेगा सिर्फ कंफर्म टिकट। दोस्तों, देश में प्राइवेट ट्रेनों की तरफ रेलवे ने अपना कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 तक देश में 44 प्राइवेट ट्रेनें दौड़ेंगी। भारतीय रेलवे ने 30,000 करोड़ रुपए के प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 109 जोड़ी रूट्स पर रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस को आमंत्रित करके की है। खबरों के अनुसार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को कहा कि निजी ट्रेनों का आइडिया है कि वे सभी बड़े अधिक डिमांड वाले रूट्स पर सभी यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध करा सकें। भारतीय रेलवे जिन ट्रेनों को पहले से चला रही है उनके अलावा ये निजी ट्रेनें इस डिमांड को पूरा करने में मदद करेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि सभी प्राइवेट ट्रेनों में ड्राइवर्स और गार्ड्स भारतीय रेलवे के होंगे। 95% संचालन में प्रदर्शन के मानकों का पालन नहीं होता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। खबर है, चीन पर भारत की सख्त कार्रवाई से कांप उठा पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान ने लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच मौका देखते हुए गिलगित बाल्टिस्तान में नियंत्रण रेखा के पास अपनी सेनाओं की अतिरिक्त तैनाती की मीडिया रिपोर्टों को गैर जिम्मेदार और सच्चाई से दूर बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तानी सेना के LOC के नज़दीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती की है, जिसे भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने ट्वीट किया, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में चल रहे समाचार जिसमें LOC पर पाकिस्तान सेना के जवानों की अतिरिक्त तैनाती का दावा किया गया है और चाइना द्वारा एस्कार्डू एयरबेस के कथित इस्तेमाल झूठा और गैर जिम्मेदार और सच्चाई से दूर है। बताया गया कि चीन से भारत की तनातनी के बीच पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अपने आतंकियों से भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। खबर है, टैक्स पेयर को आयकर विभाग ने दी बड़ी राहत। दोस्तों, खबर आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 लाख टैक्स पेयर को फायदा पहुंचाते हुए 62,361 करोड़ का टैक्स रिफंड किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी संकट काल के समय टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार ने 8 अप्रैल को आदेश जारी करके जानकारी दी थी कि कोरोना महामारी के समय टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए जितने भी पेंडिंग रिफंड हैं उन्हें जल्दी रिलीज कर दिया जाए। उसी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने प्रति मिनट 76 केस के पेंडिंग रिफंड जारी किए, यानी 8 अप्रैल से 30 जून तक 20,44,000 टैक्स पेयर्स को 62,361 करोड़ का रिफंड जारी किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह रिफंड 56 साप्ताहिक दिनों में किया। आपको बता दें कि इस पूरे रिफंड के दौरान खास बात यह रही कि सारा रिफंड बिना किसी दिक्कत और फॉलोअप के टैक्स पेयर्स के खाते में चला गया, जबकि पहले टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड के मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले
हर ब्रेकिंग न्यूज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।